गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दिव्या फ्रॉम डिप्स मोडा। तो आज का कोई भी वीडियो मेकअप या ब्यूटी से रिलेटेड नहीं होने वाला है गाइस। आज मैं आपको अपनी ट्रू फीलिंग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना सुशांत सिंह राजपूत के जाने से लेकर है। बहुत ही दर्दनाक ये घटना घटी है, जिससे मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रही हूँ गाइस। मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहुत बड़ी फैन हूँ और हमेशा रहूंगी, बट ऐसे उनके अचानक जाने से मैं बहुत ज्यादा सैड एंड बहुत ज्यादा शॉक हूँ। क्योंकि मैं जब भी अपना इंस्टाग्राम, अपनी फेसबुक या कुछ भी ओपन कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह के बारे में ही देख रही हूँ, उन्हीं के बारे में न्यूज़ पढ़ रही हूँ कि आखिर वो क्यों गए और उन्होंने ऐसा किया क्यों। बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे हैं कि ये एक मर्डर है या एक सुसाइड है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे ये भी लगा रहे हैं कि ये एक प्लान मर्डर है, बिल्कुल प्लान किया हुआ एक मर्डर है, जो कि हम कभी भी कंफर्म नहीं हो सकते हैं जब तक कि पुलिस से कोई कंफर्मेशन फाइनल ना आ जाए। अभी बहुत सारे लोगों से पूछताछ चल रही है कि क्या है ये, मर्डर है या सुसाइड है, लेकिन इन सब बातों से परे हटके एक एक जो फैन वाली फीलिंग है वो चीज दिमाग से बिल्कुल नहीं जा रही है कि आपका रोल मॉडल और आपका आपका एक इतना अच्छा जेम, इतना अच्छा टैलेंटेड एक्टर अब इस दुनिया में नहीं है। सो एज अ बिहारी हम सब प्राउड करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए कि वो एक हमारे लिए रोल मॉडल थे और हमेशा रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से टीवी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सब कुछ देख के यही समझ में आता है कि ये एक सुसाइड नहीं है, एक प्लान्ड मर्डर है। जब भी हम बात करते हैं नेपोटिज्म की, तो सबसे पहले एक चेहरा जो सामने आता है वो है करण जौहर का। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि इंडस्ट्री में आके जिनको करण जौहर अपने मूवीज देते हैं और वो उनको उनमें चाहे वो टैलेंट हो या ना हो, बट उनकी पिक्चरें बहुत ज़्यादा कमाती हैं एंड बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं एंड वो सडनली 1 or 2 मूवीज से ही वो सुपरस्टार बन जाते हैं। बट हमारे इंडस्ट्री में, बॉलीवुड के इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट उनका कोई भी नाम सामने नहीं आता है क्योंकि उनके पीछे कोई भी गॉडफादर नहीं है, उनके पीछे कोई भी हाथ नहीं है बड़े इंडस्ट्री के लोगों का। तो यही हमारे सुशांत के साथ हुआ है, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है और जिसकी वजह से हम सारे हिंदुस्तानी, इवन हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा आहत हैं। सो अब समय आ गया है कि हम एज अ व्यूअर डिसाइड करें कि कौन एक्टर और एक्ट्रेस सुपरस्टार बनेगा और नहीं बनेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है गाइस, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर। तो अब ये स्टेप हम लोगों को लेना होगा। और आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड सुशांत सिंह और इतनी ज़्यादा अच्छी मूवीज देने के बाद भी वो एक सुपरस्टार नहीं बन पाया और एक उस लेवल का सुपरस्टार नहीं कहला पाया। आखिरकार उसको अपने लाइफ का एंड करना पड़ा बिकॉज ऑफ डर्टीनेस इन बॉलीवुड। ये जो लोग हैं जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, वो लोग अपनी भाषा में इनर और आउटर कहते हैं। मीन्स इनर जो कि आपके ऑलरेडी इंडस्ट्री का स्टार किड है और आउटर जो कि इंडस्ट्री के बाहर से आए हैं। तो करण जौहर टाइप्स लोग सिर्फ इनर के लोगों को मूवीज देते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, बाकी लोगों को नहीं देखते हैं, बाकी लोगों को सुपरस्टार वो नहीं बनाना चाहते हैं। लाइक आप देख सकते हो मनोज वाजपेयी, के मेनन, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग आज तक उस स्टारडम, उस सुपरस्टार का लेबल उन लोगों पे नहीं लगा है जितना ज़्यादा वो डिजर्व करते हैं। पूरा हिस्ट्री आप देख लो, जो भी बाहर से आया है उनको अभी तक आप 100% में
40-50% लोग ही होंगे जो कि उस मुकाम तक पहुंचे हैं, बाकी स्टार किड वाले ही ज्यादा आगे चल के फेमस होते हैं। गाइस ये अब हमें डिसाइड करना है कि इन लोगों की दादागिरी ऐसे ही चलती रहेगी, एक और सुशांत को हम ऐसे ही जाने दें कि इस सिचुएशन को यहीं रोके और यहीं से हम एक नई शुरुआत करें, नेपोटिज्म को यहीं रोके और आगे से इनके मूवीज, इनके स्टार किड्स को हम बढ़ावा ना दें। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहती हूँ जो कि स्टार किड्स हैं, आप खुद देख लो एंड खुद डिसाइड करो कि हमें इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना है। आप डिसाइड कर लो कि आपको इनकी मूवीज नहीं देखनी है ताकि हम एक और सुशांत सिंह को ना खोए। मैं इतनी ज्यादा हद हो चुकी हूँ कि मैं हर टाइम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही सोच रही हूँ, इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं भी जा रही हूँ बस उनकी न्यूज ही देख रही हूँ। आई होप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं इस चीज से। तो गाइस जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर बोलना चाहूंगी आप लोगों से कि अगर आप कभी भी कोई भी डिप्रेशन उनको लगे कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी कुछ दिनों से, तो प्लीज उसे इग्नोर ना करें। अपने जो भी आपसे क्लोज है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी क्लोज है, आप उनसे बात करो, उनसे सॉल्यूशन पूछो, उनसे अपनी चीजें बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या है। कभी भी अपने प्रॉब्लम शेयर करोगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप अकेले हो, और अगर आप कभी ऐसा हार्श स्टेप उठाने वाले हो तो अपने पीछे अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को देख लेना कि आपके पीछे भी आपकी कोई फैमिली है।